नए भारत की नई तस्वीर देखी आपने? नहीं देखी? देखिए जरा। ये है नए भारत की नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिसको पुराने भारत की पुरानी एक्सप्रेस, पुरानी मेमो ट्रेन खींच कर ले जा रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीर नए भारत की नई सरकार की भी है, जिसके इंजन को खींचने के लिए टीडीपी और जेडीयू जैसे इंजन लगे हैं। इस 30 सेकेंड के वीडियो में पिछले 10 साल के विकास की विरासत है। जरा सोचिए, हम कितने आगे पहुंच गए हैं। वाकई में देश बदल रहा है। अच्छे दिन तो यही हैं, जब नई परंपराएं जन्म लेने लगे तो उनको पुरानी परंपराओं से ही जोड़ा जाता है। यही तो हो रहा है, नए भारत की नई सोच की नई वंदे भारत को पुरानी मेमो ट्रेन से जोड़ दिया गया। कांग्रेस ने लिखा कि बीजेपी का इंजन फेल हो गया, कांग्रेस का इंजन उसे खींच रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 से 2021 के बीच, यानी पिछले 4 साल में, सरकार ने रेलवे की 20,37,983 मीट्रिक टन संपत्ति को स्क्रैप में डाल दिया, यानी उसे खुर्द-बुर्द कर दिया, जिससे उसे 4,217.8 करोड़ रुपए मिले। इसमें ट्रेन के 1,530 पुराने इंजन भी शामिल हैं, जिन्हें स्क्रैप में डाला गया है। मुनव्वर राणा का एक शेर है कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। जरा सोचिए, अगर ये पुरानी मेमो ट्रेन न रहे तो इस नई सोच की नई स्पीड की नई वंदे भारत को कौन खींचेगा। इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है, ऐसा आगे भी होता रहेगा और पीछे भी होता रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम ऐसा होता देखते रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तब भी फर्क नहीं पड़ा जब सरकारी इमारतों को पूंजीपतियों के हाथ में दिया गया, कंपनियों को प्राइवेटाइज कर दिया गया, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन सब कुछ सरकार से निजी हो गए। हमें तब फर्क नहीं पड़ा, तो अब क्या खाक पड़ेगा। अब खबर पर आते हैं। दरअसल 9 सितंबर की सुबह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों को लेकर देश की राजधानी नई दिल्ली से वाराणसी के लिए निकली थी, लेकिन इसी बीच इटावा के नजदीक तकनीकी कमी के चलते खड़ी हो गई। बताया गया कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन में तकनीकी खराबी आ गई है। इस खराबी को ठीक करने के लिए टेक्निकल टीम मौके पर पहुंची, लेकिन ठीक नहीं किया जा सका। कामयाबी न मिलने पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को मालगाड़ी के इंजन से खींचकर भरथना रेलवे स्टेशन पर खड़ा कर दिया गया। प्रयागराज रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस में 730 यात्री यात्रा कर रहे थे। सभी को शताब्दी और अयोध्या वंदे भारत से कानपुर तक पहुंचाया जाएगा और फिर उनको श्रम शक्ति एक्सप्रेस से बनारस पहुंचाया जाएगा। यानी हम ऐसे ही वंदे भारत ट्रेन से उतारे जाएंगे, दूसरी वैकल्पिक मेमो ट्रेन से भेजे जाएंगे। हालांकि कुछ यात्रियों ने भारत की नई वंदे भारत की दुर्दशा पर गुस्सा जाहिर किया। मुझे नहीं पता सर, आप बंद करिए। अगर ये गुस्सा और बेचैनी निजामों के चुनते वक्त अपने अंगूठों से दिखाई होती तो शायद तस्वीर कुछ और होती। लेकिन सही है, जब ही जागो तभी सवेरा। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।